हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की यूनिट 7 का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। जिस इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक उसके डिस्कस किए थे, आज हम कुछ आगे और टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सिलेबस है आप लोगों का, उसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट तक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 5, यानी कि वेव मोशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशंस क्या होगा, और उससे जो वेव से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, और एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव उसकी डेफिनेशन, और उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक, वेव मोशन एंड वेव। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वेव मोशन की, या वेव की डेफिनेशन क्या होती है, आखिर से हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, वेव मोशन जो है वो मैक्सिमम बुक्स में या कहीं भी आप देखोगे तो वेव को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर बिटवीन दीज टू प्लेसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेस पे हम खड़े हैं, एक प्लेस पे दूसरा आदमी खड़ा है, हमने यहाँ से बॉल फेंकी, तो क्या होगा उस बॉल के साथ, एनर्जी भी है उसमें और मोमेंटम भी है, दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे और वो पहुँच जाएंगे दूसरे के हाथ में। लेकिन इसके साथ, एनर्जी और मोमेंटम के साथ, मास भी ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसे हम वेव नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे हम एक रो में काफ़ी लोग खड़े हैं, हमने पीछे वाले को धक्का दिया और वो धक्का चलते 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 कहाँ पहुँच गया, जो सबसे आगे खड़ा था उस आदमी तक। तो इसमें हम आदमी जो सबसे पीछे खड़ा था वो आगे नहीं गया, बल्कि केवल एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो, तो उसे हम वेव कहेंगे। तो वेव मोशन क्या है? वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर बिटवीन दीज टू प्लेसेस। ओके, अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वेव्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वेव, क्योंकि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनमें एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे स्टैंडिंग वेव्स हैं, तो वेव की एक्चुअल डेफिनेशन होनी चाहिए कि द वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ऑस्किलेट्स पीरियडिकली विद अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। हम इस तरीके से भी वेव को डिफाइन कर सकते हैं, और ये सबसे प्राइमरी डेफिनेशन है वेव की, जिसमें सारी जितनी भी वेव्स हैं सबको हम लोग एक ही डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। तो वेव्स क्या हैं? द वेव इज अ डिस्टर्बेंस, चाहे वो आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है विच ऑस्किलेट्स पीरियोडिकली विद अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, दैट इज कॉल्ड अ वेव। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशंस वेव की। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, यानी वेव को कैसे क्लासिफाई करेंगे। वैसे वेव को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, इसमें मैंने दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, जो वेव के डायमेंशंस के बेस पे जो डिफाइन है, जो वेव का क्लासिफिकेशन है, वो मैंने नहीं दिखाया है, जो आपके सिलेबस में उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव में वेव को दो तरीके से पहले क्लासिफाई करते हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। ये इस बेस पे कि मैकेनिकल जो वेव होती है उसे ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम यानी कोई माध्यम, जैसे हवा, पानी या सरफेस या कुछ भी, उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। लेकिन कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको प्रोपगेट होने के लिए, जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, सच वेव्स इज नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम मैकेनिकल वेव की बात करें तो जैसे साउंड वेव है, साउंड की जो वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव है, उन्हें प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। नॉन मैकेनिकल जो वेव्स हैं, जैसे जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह रहे हैं, उनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे सन से आने वाली जो लाइट है, सूर्य से आने वाली जो लाइट होती है, उसमें सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सारी की सारी। तो ये क्योंकि सन से लेके धरती तक कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, तब भी वो हम तक पहुँचती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत
नहीं होती है। तो मैकेनिकल वेव जिनके लिए मीडियम की जरूरत है, और नॉन मैकेनिकल वेव जो नॉन मीडियम में भी प्रोपगेट हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। अच्छा, फिर हम आगे अगर बढ़ें तो वाइब्रेशन, जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है उसके बेस पर अगर डिफाइन करें, वो क्लासिफाई करें, तो दो तरीके की वेव्स होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव वे वेव होती है जिनमें पार्टिकल प्रोपगेशन की डायरेक्शन, जो वेव का प्रोपगेशन हो रहा है उसमें उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट करता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माना आप एक कोने पे एक रस्सी बांधें और एक छोर उसका पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, तो धीरे धीरे वो एनर्जी आगे की ओर, मतलब जो वेव है वो आगे की ओर बढ़ती है इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल रस्सी के ऊपर नीचे प्रोपगेट करते हैं, तो वो है ट्रांसवर्स वेव। इसके अलावा पानी के बीच में अगर पत्थर हम लोग फेंक दें तो पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे प्रोपगेट करते हैं, और वेव कहाँ को बढ़ती है? किनारों को, यानी कि उसके परपेंडिकुलर, तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव। ओके, इसमें जो टॉप पॉइंट है उसे क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाला पॉइंट को ट्रो कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें क्या होगा, इसमें जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी ऑस्किलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्प्रिंग का एक कोना बांध इधर वो कर दीजिए और दूसरे कोने को पकड़ के थोड़ा सा खींच के छोड़ दीजिए, तो इस तरीके से वेव इसमें आगे बढ़ेंगी। तो जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में स्प्रिंग भी क्या होगा, प्रोपगेट होगा। तो इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। जहां पे गैप ज्यादा उसे कहते हैं रियर फ्रैक्शन, और जहां पर गैप कम है उसे कहते हैं कॉम्प्रेशन। साउंड वेव इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साउंड वेव, जैसे हम कुछ चीज बोल रहे हैं और आपके कान के पर्दे तक वो पहुंचती है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब मीडियम को क्या करती है, ये कॉम्प्रेस करती है, और धीरे धीरे ये कॉम्प्रेशन ही आगे बढ़ के आपके कान के पर्दे तक पहुंचता है, तो उस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अच्छा, इसी को मैकेनिकल जो वेव है उसको अगर हम एनर्जी ट्रांसफर के बेस पे अगर क्लासिफाई करें तो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक होती है स्टैंडिंग वेव और एक होती है प्रोग्रेसिव वेव। स्टैंडिंग वेव मतलब वो वेव्स जिसमें एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होता है मीडियम में, और प्रोग्रेसिव वेव जिसमें एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। तो प्रोग्रेसिव वेव तो आप जान चुके हो, साउंड वेव है ये, प्रोग्रेसिव वेव है। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं? स्टैंडिंग वेव वो वेव होती है जो जिसमें एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होता। आखिर ऐसी कौन सी वेव होगी? तो ये आप एक क्लोज कंटेनर अगर लेते हैं और दोनों साइड से दो, देखो एक मैंने ये ऑरेंज कलर से दिखाई है और एक ये एजोर कलर आसमानी रंग से इसे दिखाया है। तो अभी तो ये अलग अलग फेज में, लेकिन अगर दो सेम फेज वाली वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में चलें, जैसे माना हम ये मानते हैं कि ऑरेंज कलर वाली इस डायरेक्शन से चल रही है और जो ये बीच में मैंने ब्राउन कलर की बनाई इस डायरेक्शन से प्रोपगेट हो रही है, तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन से दो वेव चलती है तो इनका जो सुपर पोजिशन होता है जिसको मैंने आसमानी कलर में दिखाया गया है, ये इसमें स्थिर प्रतीत होता है, मतलब आगे नहीं बढ़ा हुआ प्रतीत होता बल्कि खड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। तो दो वेव्स जो सेम एम्पलीट्यूड की हैं, सेम वेलोसिटी के साथ इधर उधर बढ़ रही हैं, तो उनके सुपर पोजिशन से तीसरी वेव प्रोड्यूस होती है जिसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो इसमें ना एनर्जी ट्रांसफर होती है ना मोमेंटम ट्रांसफर होता है, इसीलिए हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो और प्रोग्रेसिव वेव मैंने अभी बताया जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। तो इस तरीके से ये है वेव्स का क्लासिफिकेशन। इसके अलावा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल वेव, उनको डायमेंशन के बेस पे भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये है वेव की डेफिनेशन और ये उसका क्लासिफिकेशन। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स की और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की। तो इसमें जो दिखाया गया है वो एक वेव है जो
वी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है। वेलोसिटी किसे कहते हैं आप जानते हैं, वेलोसिटी का मतलब होता है कि चाल, यानी कि किस गति से वे आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये जो लेमडा है ये क्या है, ये है एक वेव जब ऑस्किलेट करती है तो एक ऑस्किलेशन में जितना चलती है उसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लेमडा। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकंड में कितने ऑस्किलेशन हो रहे हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और टी यानी टाइम पीरियड कि एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये इसे किसी वेव से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और काफ़ी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, अब हम लोग इनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कि वेलोसिटी, लेमडा और टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध होता है। तो देखिए, आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वी इज इक्वल टू लेमडा बाई टी कर दें, और टी को हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड होता है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी एन इज इक्वल टू वन बाई टी। तो इसमें अगर हम टी की जगह रख लें, वन बाई टी की जगह एन रख दें, तो रिलेशनशिप आता है वी इज इक्वल टू एन लेमडा। तो ये इसमें रिलेशनशिप है जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी अप्लाई होता है, और कई जगह आप इसे यूज करके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप गेट कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो इसका डेरिवेशन केवल एक वेलोसिटी के फॉर्मूले से ही हो जाता है। देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डिस्टेंस, माना हम एक ऑस्किलेशन का ले लेते हैं तो डिस्टेंस होगी लैम्डा, और एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड टी। तो इसीलिए हमने लैम्डा बाई लैम्डा अपॉन टी ले लिया, और वन अपॉन टी को हमने एन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये होता है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है वो है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का। प्रोग्रेस हिंदी में इसे कहते हैं प्रगामी तरंग, सरल आवर्त प्रगामी तरंग। इसका डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए इसे मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसे डिराइव करते हैं, कैसे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखो, जो एक प्रोग्रेसिव वेव है, ए प्रोग्रेसिव वेव इज वन विच ट्रेवल्स इन ए गिवन डायरेक्शन इन ए मीडियम विद सेम एम्पलीट्यूड एंड एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड। यानी कि एक ऐसी तरंग जो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ और सेम एम्पलीट्यूड के साथ आगे बढ़ती है। सेम एम्पलीट्यूड मतलब सेंटर से इसके जो मैक्सिमम डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए और वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, उस वेव को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब इसके लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, माना ये जो वेव है ये यहाँ से चलनी है, यहाँ से कहीं से ये चली और इसको हमने ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन पे पहुंची और फिर आगे बढ़ती है ये वेव, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और आगे वी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है। ओके, अच्छा, जो ये पी पॉइंट है ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, ये भी हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए होगा क्या, आप जानते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी वेव के लिए जो बेसिक इक्वेशन होती है वो होती है वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, जहां आर इसका क्या है एम्पलीट्यूड है, वाई नॉट जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट एट ओरिजिन है। वो वाई जीरो मैंने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये हमने ओरिजिन माना हुआ है, तो वाई जीरो पे इसका डिस्प्लेसमेंट है आर साइन ओमेगा टी, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी है टाइम एट ओ, यानी ओ पे क्या टाइम है। तो इस तरीके से ये होती है इसकी सिंपल जो हार्मोनिक वेव है जो आगे बढ़ रही है उसकी एक बेसिक इक्वेशन है, मतलब जो ओ पॉइंट पे पार्टिकल है उसके लिए इक्वेशन है वाई जीरो इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी को हम इसका फेज भी कहते हैं। ओके, अब देखो, अब जो पॉइंट पी पे कोई पार्टिकल होगा ये वेव धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, जैसे ये मान के चलिए कि रस्सी जैसे भूकंप की तरंग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, पहले एक जगह आएगा फिर धीरे धीरे वही तरंग आगे बढ़ेगी, जो इसका ओरिजिन होगा वहाँ पे तो तरंगें तेज होंगी, धीरे धीरे कम होती हैं, लेकिन तरंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोई, तो माना ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे पहुंची फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो अब आप ये सोचिए, देखिए ये वाला जो पॉइंट है पहले ऑस्किलेट करेगा, ठीक है, ये ऑस्किलेट कर ही रहा है ये वाला पॉइंट, धीरे धीरे ये तरंग आगे बढ़ेगी, तो फेज किसका ज़्यादा होगा,
ही इंपॉर्टेंट चीजें सोचने वाली, फेज ओ का ज्यादा होगा या पी का? फेज ओ का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि पहले तरंग यहां पहुंची है और अब बाद में तरंग यहां पहुंचेगी, तो इसका फेज हमेशा ज्यादा होगा और इसका कम होगा। यानी अगर हम फेज डिफरेंस निकालें तो इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो देखिए, ओ वाला पॉइंट, जैसे माना फॉर एग्जांपल ओ वाला पॉइंट ऑस्किलेट हुआ, तो ये ऊपर नीचे ऑस्किलेट हो रहा है और अब धीरे धीरे वेव आगे बढ़ रही है, तो ये ऑस्किलेट होता रहेगा क्योंकि इसे एनर्जी मिल गई। तो पहले ये ऑस्किलेट हुआ 0 से π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और फिर 2π, फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और जब ये बाद में ऑस्किलेट करेगा, जब वेव यहाँ पहुंचेगी तब ऑस्किलेट करेगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि सपोज द फेज एट पॉइंट पी इज डेल, यानी इस पॉइंट पे फेज डेल है, तो द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट पी, पी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसके लिए क्या इक्वेशन होगी? वाई पी जोड़ आर साइन ओमेगा टी माइनस डेल। क्यों? क्योंकि यही इक्वेशन इसके लिए यूज होगी, लेकिन इसके और इसके बीच में फेज का कुछ डिफरेंस है। इसका फेज अलग होगा, इसका फेज अलग होगा, तो इसका फेज कितना होगा? जो फेज इस पे, जो हमने जो ये फेज है पी पे वो डेल है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस है ओमेगा टी माइनस डेल। तो इस वाले की इक्वेशन में अगर इस फेज डिफरेंस को रखेंगे तो हमें इस पॉइंट पे इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो जो ये इक्वेशन है सेकंड, ये हो जाएगी वाई पी इक्वल आर साइन ओमेगा टी माइनस डेल। ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि इसका फेज ज्यादा है, इसका कम है, और रीजन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये पहले वाइब्रेट करना इसने स्टार्ट किया तो इसका फेज ज्यादा होगा, तो इसीलिए हमने लिखा वाई पी इक्वल आर साइन ओमेगा टी माइनस डेल। ओके, अब हम लोग इसी इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे वाई पी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस 2πx/λ। अब ये 2πx/λ क्यों लिखा मैंने, इस लैम्डा, इस डेल को हटा करके? भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, इसको मैंने यहाँ पे समझाया। देखिए, पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होता है, यानी कि एक ऑस्किलेशन कंप्लीट जब होता है, तो उस समय फेज डिफरेंस होता है 2π का, क्योंकि आप जानते हैं एक ऑस्किलेशन जब कंप्लीट होता है तो उस एक ऑस्किलेशन के कंप्लीशन पे जो फेज डिफरेंस होता है वो 2π का होता है और पाथ लैम्डा का होता है। तो जब लैम्डा पाथ डिफरेंस था तो फेज डिफरेंस था 2π, तो जब एक्स होगा पाथ डिफरेंस ये वाला इस पॉइंट पी के लिए, तो फेज डिफरेंस कितना होगा ये हमको निकालना है। और अब आप जानते हैं यूनिटरी मेथड से, जब लैम्डा के लिए 2π है तो एक के लिए 2π/λ और एक्स के लिए 2π/λ x, तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस। ये इस तरीके से हम यहाँ पे 2π/λ x लिख सकते हैं इस डेल की जगह। तो ये इक्वेशन आती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। वैसे आपने करना क्या है कि जिस चीज की आपको जरूरत है उस रूप में इसको कन्वर्ट कर देना है। जैसे ओमेगा को हम 2π लिख सकते हैं, आप जानते हैं फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। ओमेगा को आप 2π/T भी लिख सकते हैं, आप लैम्डा को v/n भी लिख सकते हैं, अभी अभी हमने डिराइव किया है। तो आप जिस भी रूप में इसे कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट करके आप बहुत सारी चीजें इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होती है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और समझिएगा, जहां डाउट हो वहां क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।